नमस्कार, मैं प्रीति चंद्रा, सिटी वैम न्यूज में आपका स्वागत है। यह है आज की कुछ खास फटाफट न्यूज। झमाझम बारिश ने दिलाई लोगों को गर्मी से राहत। सहारनपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी के निर्देशन में बिहारीगढ़ में पुलिस ने बैंकों के सघन चेकिंग चलाकर बैंक के अंदर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की। सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज ने आज समस्याओं को लेकर होटल में की बैठक। सहारनपुर में एसपी ट्रैफिक अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस ने घंटाघर पर अतिक्रमण कर रहे वाहनों के विरुद्ध की कार्रवाई। समाचार लिखे जाने तक नो टेम्पो सीज व 12 के किए चलान। थाना बड़गांव पुलिस ने पकड़ी 60 पेटी शराब, एक पिकअप भी बरामद। एसएसपी दिनेश कुमार पी के निर्देशन में थाना नकुट पुलिस द्वारा दो अभियुक्त को अवैध तमंचा व शराब सहित किया गिरफ्तार। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इमरान मसूद समस्याओं को लेकर मिले एसपी सिटी से। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कमान संभालते ही दिखाए तेवर, अपराधियों पर अंकुश, जांच अधिकारियों की विवेचना पर रहेगी निगाह। एसएसपी दिनेश कुमार पी के निर्देशन में सीओ नकुड़ यतेंद्र सिंह द्वारा थाना नकुड़ परिसर में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत लोगों के साथ की मीटिंग। सिटी वैम न्यूज चैनल में समाचार फटाफट के बाद अब देखें सहारनपुर के समाचार विस्तार से। सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा केआर प्लाजा में एक सामान्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत आदि जगहों के कॉलेजों के प्रबंधकों ने हिस्सा लिया और डिग्री कॉलेजों में आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर सुभाष चौधरी ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्राइवेट कॉलेजों का बड़े स्तर पर पीड़न किया जा रहा है। छात्रों के लिए परीक्षा से लेकर मार्कशीट तक बहुत परेशानी आ रही है और इस विषय में विश्वविद्यालय कुछ भी नहीं सुनने को तैयार है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे परीक्षा संबंधी समस्या। इसी को लेकर आज बैठक बुलाई गई है और सभी प्रतिनिधि एक रूपरेखा तैयार करके छात्रों के हित की व कॉलेजों की समस्याओं को एक योजना तरीके से विश्वविद्यालय के सामने रख सके। इस बैठक में मुख्य रूप से कुलदीप सिंह, डॉक्टर विक्रम सिंह, दिनेश चोकर, कली राम, मोहित चौधरी, मंजीत सिंह आदि मौजूद रहे। जो मेरठ विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेजेज हैं, डिग्री कॉलेजेज, उनके जो चेयरमैन से उनकी एक मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी और मुद्दा ये था कि विश्वविद्यालय द्वारा जो है सभी कॉलेजों का बहुत बड़े स्तर पर जो उत्पीड़न किया जा रहा है। छात्रों के जो है परीक्षा से लेकर के मार्कशीट तक की बहुत परेशानियाँ डेली जो है आप भी मीडिया से जुड़े हुए देखते होंगे, बहुत ज़्यादा समस्याएँ आ रही हैं। विश्वविद्यालय सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो संबद्धता के मैटर हैं, चाहे परीक्षा के हैं, चाहे प्रैक्टिकल के हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आज एक हमने सेल्फ फाइनेंस एसोसिएशन की एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई, जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और ये सहारनपुर के जो हैं कॉलेज के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित रहे और एक रूपरेखा तैयार की गई है किस तरह से विश्वविद्यालय स्तर पर एक कॉलेज हित में और छात्रों के हित में क्या लड़ाई हम लोगों को लड़नी है, उसका एक रूपरेखा तैयार करके एक योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। ये मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई। वरिष्ठ आईपीएस उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने आज सहारनपुर पहुंचकर उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र का कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए डीआईजी उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि अपराधी पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है, साथ ही जांच अधिकारी द्वारा विवेचना में निष्पक्षता लाने से अधिकतर अपराध स्वयं समाप्त हो जाते हैं। देखिए, एज पुलिस ऑफिसर हमारी प्रायरिटीज काफ़ी क्लियर होती है, क्राइम प्रिवेंशन, डिटेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होता है, हर पुलिस अधिकारी का यही कर्तव्य होता है। तो मेरी भी प्रायरिटी वही रहेगी कि रेंज के जो तीनों जनपद हैं उनके पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इनको निर्देश हो कि अपराधियों के विरुद्ध जो सख्त कार्रवाई चली आ रही है उसको आगे कंटिन्यू रखें, अपराधियों के पीछे पड़े और जो क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैंडेट को पूरा करें। साथ ही तीनों जो है रेंज के जनपद में शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई ऐसी अप्रिय बात ना हो पाए। नियर फ्यूचर में कावड़ मेला प्रस्तावित है जो पश्चिम में काफ़ी बड़े स्केल पे होता है, तो उसमें भी जो है पूर्व से मीटिंग कई की जा चुकी है। आज भी भ्रमण प्रस्तावित है मुजफ्फरनगर का, तो वो भी रहेगा कि तीनों जो जनपद के अधिकारीगण हैं उनको जितना हो सके अपने अनुभव के साथ बताया जाए, निर्देश दिया जाए और जितना हो सके गाइड किया जा सके,
ताकि कांवड़ मेला सकुशल निपटे और आगे उसके भी जो पर्व त्यौहार है उसको भी सकुशल संपन्न कराया जाए। कुछ ऐसे एरिया हैं जहां जनपद के पुलिस अधीक्षक समय अभाव के कारण बहुत विशेष ध्यान नहीं दे पाते, तो मेरा प्रयास होगा कि उन सब ग्रे एरियाज को खुद से स्वयं देखूँ और जितना हो सके उनको गाइड कर सकूँ। जैसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है उनकी क्वालिटी सुधारने का प्रयास किया जाएगा, तीनों जनपद के जो अधिकारी हैं और जो आयोग हैं उनको ट्रेन किया जाए, उनकी विवेचनाओं को ठीक से मॉनिटर किया जाए। इसी तरह से पुलिस ऑफिस और पुलिस लाइन की जो फंक्शनिंग है उसको प्रयास किया जाएगा कि उसमें जो गाइड करके अच्छे से जो फाइल मेंटेनेंस है, जो हिसाब किताब और जो बजट का एलोकेशन और जो खर्च है, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दे करके उनको टाइमली ख़त्म करना और टाइमली सही तरीके से मेंटेन करना, इसको इंश्योर कराया जाएगा। जहां तेज गर्मी से लोगों का बुरा हाल था और सूर्य देवता आग बरसाते हुए ये कह रहे हो कि बस मैं हूं और गर्मी में तापमान 44 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा हो और प्रशासन ने गर्मी के चलते बच्चों के स्कूलों की छुट्टी घोषित करने के बाद आज सुबह से ही मानसून ने करवट बदलते हुए झमाझम बारिश कर इंद्र देवता ने लोगों के चेहरे खिला दिए और लोगों ने इंद्र देवता का शुक्रिया अदा किया। बारिश के बारे में तो क्या ही कहें, कितने दिन से बारिश के इंतज़ार कर रहे थे, बहुत दिनों से गर्मी से बेहाल हो चुके थे, अब बारिश आई है तो परमात्मा का शुक्र अदा कर रहे हैं कि भगवान बारिश में थे। बहुत इंजॉय कर रहे हैं सब लोग घर पे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं बारिश को। हाँ, पकौड़े तो सबसे पहले, बारिश और पकौड़े ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, बारिश के मौसम में ही पकौड़े खाने का मज़ा आता है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इमरान मसूद आज SPCT से मिले और एक समस्या से अवगत कराते हुए आरोप लगाया कि हमारे कार्यकर्ता मोहम्मद अयास एक छोटा सा मदरसा चलाते हैं, उनको एक पुलिस वाला फ़ोन करके 50 लाख रुपए मांगता है और ये कहता है कि मैंने मोहम्मद अयास को 50 लाख रुपए उधार दिए हैं और अगर यह पैसे नहीं देता है तो मैं इसे जेल भेज दूँगा। और जब इमरान मसूद ने SPCT से बात की तो पता चला वह पुलिसकर्मी पहले से ही रिटायर हो चुका है और उन्होंने कहा कि इस आदमी की हैसियत नहीं है कि यह 50 लाख रुपए उधार ले ले या चुका दे। आप इनकी हैसियत बेचारों की 50 रुपए की नहीं है, छोटा सा काम करते हैं, हमने 50 रुपए किसी को नहीं दे सकते, अपना बच्चे किस तरह चला रहे, बच्चे लड़कियों का मदरसा छोड़ा चला रहे कि तुमने इससे 50 लाख उधार लिए थे। अच्छा, ना तो ये 50 लाख उधार मांग सकते और ना इनकी हैसियत को इनको 50 लाख रुपए उधार दे देगा। अच्छा, और वो इंस्पेक्टर इनको टेलीफोन करके धमकी दे रही कि तुम या तो पैसे दे दो वरना तुम्हें जेल भेजो। अच्छा, तो यहाँ आकर जानकारी हुई कि वो इंस्पेक्टर जो थे वो 6-8 महीने पहले रिटायर हो गई, वो यहाँ है ही नहीं। अच्छा, वो रिटायर हो चुकी। तो क्या आश्वासन दिया? तो नहीं, SPCT साहब ने उसको टेलीफोन करके भी टाइट किया, उनका तहरीर तो जो भी कार्रवाई करी वही कार्रवाई करने के लिए कहा। थाना बड़गांव पुलिस ने आज सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा जिसमें 60 पेटी अवैध देसी शराब रसीला संतरा पकड़ी जो हरियाणा के रास्ते से आ रही थी। पुलिस ने पिकअप गाड़ी और शराब को अपने कब्जे में ले लिया।